हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों में इस खबर से बहुत ही बेचैनी उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि यूपीपीसीएस में आयु सीमा जो है घटने का विचार हो रहा है। आयु सीमा और साथ ही साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट यानी अवसरों की संख्या को भी सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है, कि इस पर पूरी प्लानिंग के तहत जो है और बहुत बड़े बदलाव की तैयारी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और इसे अब यूपीएससी की तर्ज पर बनाया जाएगा। और आप इन बदलावों को देखे भी होंगे, अटेम्प्ट भी कम कर दिए जाएंगे, तो इस वीडियो में आपको जो है बताए जाएंगे। और सबसे बड़ा जो है इसमें और ये है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और इस पर अपना विरोध जताइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है। क्योंकि पेपर की हेडलाइंस आप देखेंगे तो आपको लगेगा वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये छात्र के हितों में ऐसा किया जा रहा है। अब वो पता नहीं कहाँ से अवसर कम होना और जो है एज कम होना, ये छात्र हित में कैसे है, अब मुझे नहीं पता चल पा रहा है। तो और लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि इसमें असल में हो क्या रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी छात्र हैं, जो भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और ये अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए पीसीएस आज की अखबार की कटिंग है। आज के अखबार की कटिंग है कि पीसीएस परीक्षा देने के घटेंगे मौके। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ये व्यवस्था लागू होगी। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा है कि जो है 40 से 45 एज तक लोग जो है पीसीएस देते रहते हैं, जबकि यूपीएससी में जो है पहले 30 अटेम्प्ट था, लेकिन बाद में आंदोलन के बाद उसको जो है बढ़ा करके 32 वर्ष तक किया गया है। तो अगर ये हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और अब अगर हम बात करें कि क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि यूपीपीएससी जो है एक स्टेट पीएससी है, तो स्टेट पीएससी के अपने जो है कुछ रूल्स होते हैं स्थानीय स्तर पर भर्ती करने के लिए। तो अगर इसको यूपीएससी बना दिया जाएगा फिर राज्य वालों के लिए क्या रह जाएगा। आप इसकी वानगी देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें यूपी स्पेशल के सारी चीज़ें जो है नदारद थी, गायब थी। जनसंख्या भी यूपी का नहीं पूछा था, ठीक है, और साथ ही साथ जो है एग्ज़ाम पैटर्न एकदम यूपीएससी लेवल का हो गया। दूसरी चीज़, 13 गुना जो है बुलाया गया, ठीक है, ऊपर से सीट इतनी कम, और जो है 13 गुना बुलाया गया, सीट भी कम है। और फिर उसके अतिरिक्त तो जो है जो ये लोग जो है इतने लेट होता है, अगर आपको इतने कम अवसर मिलेंगे, सोचिए अगर आपके पास यूपीएससी की तरह केवल जो है 6 अवसर रहें तो क्या जो है आप 3 3 साल, जब 16 का रिजल्ट आप देते हैं 19 में, 3 साल बाद 17 का रिजल्ट आप देते हैं 19 में, 3 साल बाद, तो वो बंदा जो है उसकी एज नहीं ख़त्म हो जाएगी। 2 अटेम्प्ट दे करके 3 अटेम्प्ट दे पाएगा अपने पूरे जीवन काल में। तो फिर ये कहाँ तक उचित है दोस्तों, आप भी लोग बताइए इसको। और मार्कशीट जारी ना करना, अभी तक लोअर पीसीएस 15 की मार्कशीट आप नहीं जारी कर पाए, ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है 17 की मार्कशीट नहीं जारी किए हैं, और आप अभी आरओ का एग्ज़ाम लिए हैं 3 साल हो गए, 14 का, अभी 16 जो है ठंडे बस्ते में है, फिर 17 वाला अभी तक आप रिजल्ट नहीं दे पाए, 19 में देने जा रहे हैं। तो इसमें भी तो यूपीएससी को फॉलो कीजिए ना, इसमें भी यूपीएससी को फॉलो कीजिए। यूपीएससी 7 दिन में रिजल्ट दे देता है इंटरव्यू के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ही गलत होने जा रहा है, इसका आप लोग जो है विरोध कीजिए। और ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं घटने चाहिए, इसको स्टेट पीएससी ही रहने दीजिए, यूपी यूपीएससी मत बनाइए। यूपीएससी बना देंगे तो फिर इसका औचित्य क्या है, स्टेट पीएससी बनाने का औचित्य ही क्या है, फिर यूपीएससी को ही दे दीजिए, वही एग्ज़ाम कराए, खर्चा भी बचेगा, मिनिमम मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस के तर्ज पर, है ना। तो वैसे भी सरकार पैसे बचा रही हर जगह, तो यहाँ भी पैसे बचा सकती है, ख़त्म ही कर दे इसको, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे, जो भी सुटेबल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप अपनी बातों को रखिए, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कि ये निर्णय जो है छात्र हित में नहीं है। नहीं तो फिर जो है जैसे कड़े फैसले लिए जाते हैं तो छात्र हित में बता करके कड़े फैसले ले लेंगे, फिर
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।